इमाम ने एक बड़ा आरोप लगा दिया है। शाही इमाम का कहना है कि सहारनपुर में जो कुछ हुआ उसके पीछे बीजेपी और संघ का हाथ है। बड़ा आरोप जामा मस्जिद के शाही इमाम का, सहारनपुर हिंसा में बीजेपी संघ का हाथ है। आशीष सिन्हा ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जामा मस्जिद से जुड़ गए हैं। आशीष, ईद का मौका है और शाही इमाम एक बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं सहारनपुर हिंसा को लेकर। आप देखिए, जाहिर तौर पर तानिया आज पूरा देश ईद के जश्न में डूबा हुआ है। उसी समय शाही इमाम की तरफ से यह विवादास्पद बयान आता है कि सहारनपुर में जो कुछ हुआ उसके पीछे आरएसएस और बीजेपी का हाथ है। वो यहाँ तक नहीं रुके, उनका कहना है कि कई राज्यों में चुनाव होने वाले हैं और उपचुनाव होने वाले हैं, जिसको लेकर बीजेपी और आरएसएस की रणनीति है कि वोटों का ध्रुवीकरण किया जाए। इससे पहले भी वो काम लगातार करते रहे हैं। मैंने शाही इमाम से खुद पूछा कि क्या उनके पास कोई सबूत है जो वो आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी और आरएसएस का हाथ है, तो उनका कहना है कि मेरे पास सबूत नहीं है, लेकिन हमें पूरा अनुमान है कि जो पूरा सहारनपुर में जो हुआ उसके पीछे बीजेपी और आरएसएस का हाथ है। मैंने ये भी पूछा कि क्या उनके बीजेपी और आरएसएस के कार्यकर्ताओं को सहारनपुर में जाने पे रोक लगा दी जाए, आप चाहते हैं, तो उनका कहना है कि ये स्टेट का काम है, ये स्टेट का लॉ एंड ऑर्डर का मसला है। आशीष, जो आप बातें बता रहे हैं सुन भी लेते हैं कि शाही इमाम ने जब आपने सवाल पूछा तो क्या कुछ कहा। सबसे पहले अभी कहा गया था कि जो भी हुआ, चाहे मुजफ्फरनगर राइट्स हुआ, चाहे अभी सहारनपुर में जो हुआ, उसमें बीजेपी और आरएसएस का हाथ था। अभी आपके अनाउंसमेंट से कहा गया, नहीं मैंने ये बात कही है। देखिए, जो मुजफ्फरनगर की अगर आप बात करें, मैं उसी पसमंजर में ये बात कह रहा था। सहारनपुर की बात करेंगे सर, सहारनपुर में आपको कैसे लगता है कि आपने जो कहा मन से कि बीजेपी और आरएसएस का? देखिए, इनकी साजिशें तो बराबर होती रही हैं, इनकी साजिशें उत्तर प्रदेश के मुख्तलिफ शहरों में बराबर होती रही हैं, क्योंकि वहां पर अभी थोड़े दिन के बाद बाई इलेक्शन होने वाले हैं, इसके अलावा दूसरे और स्टेट में इलेक्शन होने वाले हैं। और जिस तरह वातावरण को बिगाड़ा गया पार्लियामेंट इलेक्शन के मौके पर, और ये कोशिश की गई कि हिंदू और मुसलमानों को बांट दिया जाए, तकसीम कर दिया और उसके बाद पोलराइज करके इलेक्शन को जीता गया, इसी तरह अब भी ये साजिशें हो रही हैं। तो जामा मस्जिद के शाही इमाम बड़ा आरोप लगा रहे हैं, कह रहे हैं कि सहारनपुर हिंसा के पीछे बीजेपी और संघ का हाथ है। आशीष, धन्यवाद फिलहाल इस तमाम जानकारी।